चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, ये हमारे ऑप्शन है। पहला है 1311 ईस्वी में, बी है 1303 ईस्वी में, सी है 1308 ईस्वी में और डी है 1310 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ में प्रथम शाखा हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर रानी पद्मिनी को पानी की लालसा में आक्रमण किया था और 8 माह तक क्या है शिविर लगा के रखा, फिर इसने क्या है चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया और राव रतन सिंह के नेतृत्व में जो रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे, कौन, गोरा और बादल, चाचा भतीजा के नाम से जो प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर, गोरा व बादल, ये क्या है चाचा भतीजा के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास के अंदर चाचा व भतीजा के नाम से प्रसिद्ध है, ये कौन है, पद्मिनी के चाचा और भाई है, ठीक है। तो राव रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा और बादल ने क्या है गढ़ के गेट दरवाजे खोल दिए और तुर्की सेना के ऊपर टूट पड़े। तो इस आक्रमण के अंदर राव रतन सिंह के साथ साथ गोरा व बादल भी क्या है वीरगति को प्राप्त हो गए और रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ मिलकर 1600 महिलाएँ, राजपूत महिलाओं के साथ 1600 राजपूत महिलाओं के साथ क्या है जौहर कर लिया रानी पद्मिनी ने। तो ये जो जौहर है वो क्या कहलाया, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाया और राजस्थान का सबसे बड़ा प्रथम द्वितीय, वैसे द्वितीय शाखा था राजस्थान का, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा यही था चित्तौड़गढ़ का शाखा। पहला जो राजस्थान का शाखा हुआ था वो सन 1540 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये जो राजस्थान चित्तौड़गढ़ शाखा है वो राजस्थान का द्वितीय किंतु सबसे बड़ा प्रथम शाखा था। और चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था, रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ, राजपूत महिलाओं के साथ क्या है जौहर कर लिया था, जब राव रतन सिंह अपने सेनापति गोरा व बादल के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए थे इस युद्ध में।